कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज है वीडियो नंबर 21 और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 जो कि था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट उसको कंप्लीट किया। अगर आप लोग नहीं देखो तो प्लीज जाके देखो। ओके, सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैप्टर 3 के। सो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। यह चैप्टर का नाम है प्लानिंग। नाम से पता चल रहा है प्लानिंग, यस और नो? बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सो देखो हर कोई प्लानिंग करने में बिजी है, यस और नो? हर कोई कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है। मैं भी प्लानिंग करता हूँ कि कौन सी वीडियो कब बनाऊ, बिजनेस स्टडीज की कब बनाऊ, अकाउंट्स की कब बनाऊ, इकोनॉमिक्स की कब बनाऊ, यस और नो? आप भी प्लानिंग करते होंगे कि बिजनेस स्टडीज कब पढ़ा जाए, अकाउंट्स दोपहर को पढ़ा जाए या रात को पढ़ा जाए, यस और नो? इकोनॉमिक्स कब पढ़ा जाए, है कि नहीं? किसी को ट्रिप पे जाना है वो भी प्लानिंग करता है, किसी का शादी है उसका प्लानिंग चलता रहता है, यस और नो? कोई फंक्शन है, मान लो टीचर्स डे हुआ, है कि नहीं, एनुअल फंक्शन हुआ, ये सबका प्लानिंग चलता है। तो हर कोई प्लानिंग करता रहता है, यस और नो? किसी को शॉपिंग पे जाना है वो भी प्लानिंग करता है एक दिन पहले कि कल शॉपिंग में जाने के लिए कितने बजे से रेडी होना है, यस और नो? कितने बजे निकलना है घर से। तो हर कोई प्लानिंग करता ही रहता है अपने अपने लेवल पे, छोटा प्लानिंग हो, शॉर्ट पीरियड का हो, शॉर्ट ड्यूरेशन का हो या लॉन्ग ड्यूरेशन का हो, यस और नो? लॉन्ग पीरियड प्लानिंग भी होता है, शॉर्ट भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग का मीनिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन प्रेजेंट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि डिसाइडिंग इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में डिसाइड करना हमें क्या करना है फ्यूचर में। ओके, वर्तमान में डिसाइड करना हमें भविष्य में क्या करना है। ओके, तो बहुत ही आसान, प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन प्रेजेंट, आज डिसाइड करना हमें फ्यूचर में क्या करना है। ओके, नीचे देखो, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। थिंकिंग बिफोर डूइंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, पहले सोचो फिर करो। ओके, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया, पहले सोचो समझो प्लान बनाओ। ओके, तो पहले सोचो फिर करो, थिंकिंग बिफोर डूइंग। यहां पे देखो, इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहां हैं और हमें कहां जाना है, इस दोनों के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करता है प्लानिंग। जैसे मान लो करेंट सिचुएशन, ओके, करेंट स्टेटस, ओके, और फ्यूचर इमेज, ओके, इस दोनों के बीच में जो ये गैप है इसको कौन फुलफिल करता है, प्लानिंग। ओके, ये जो गैप है जीएपी, ये जो गैप है इसको कौन फुलफिल करता है, प्लानिंग। तो इसीलिए लिखा हुआ है इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ओके, एक अच्छा खासा डेफिनेशन इधर देखो, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, ओके, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और कौन करने वाला है। ओके, एक मैनेजर अच्छे से डिसाइड करता है, ऐसे सोचता है कि ये सारे काम एडवांस में वो सोचता है, प्लानिंग करता है कि कौन करने वाला है, कब शुरू किया जाएगा काम, ये सुनो, कैसे किया जाएगा और किसको दिया जाए, ये टास्क जो ये पार्टिकुलर टास्क है ये किसको दिया जाए, है कि नहीं? तो क्या है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय हुम इट शुड बी डन, कौन करने वाला है, कौन करेगा इस काम। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, नेचर बोल लो, फीचर बोल लो, सेम थिंग। नंबर वन, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। पहला, प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना पड़ेगा, गोल आपका क्या है, आपका मोटिव क्या है, ये सुनो, विदाउट ऑब्जेक्टिव आप क्या प्लान करोगे, आपका अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपका मान लो कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं तो आप क्या प्लान करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते। प्लान कब बनता है, जब ऑब्जेक्टिव होगा कुछ, ये सुनो, आपका अगर मान लो ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मुझे 3 दिन में मान लो 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं बिजनेस स्टडीज के, ओके, या फिर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं 3 दिन में, ओके, तो तब आप उसके बाद प्लानिंग करना शुरू करोगे कि मैं
कितने घंटे घंटे पढ़ूंगा, बीच बीच में कितने देर की गैप होगी, ओके उस हिसाब से होगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा फिर प्लानिंग होगा, ओके। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओके। पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो, ओके। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद प्लानिंग डिसाइड द मेथड, तब मेथड कौन सा अप्लाई करने वाले हो, ये समझो। एक मैनेजर के तौर पे देखा जाए तो एक मैनेजर जब प्लानिंग सेट कर लेगा, जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लेगा, ओके, फिर वो कौन सा मेथड अप्लाई करेगा प्रोडक्शन का। मान लो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया, मुझे 5,500 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं विद इन वन वीक, उसके बाद वो देखेगा कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए, प्रोसीजर क्या होगा, ओके, स्टेप्स क्या लेने वाला है वो, टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। क्यों ये सब क्यों करेगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को जो उसने सेट किया है उसको अचीव कर सके, ओके। समझ में आया पहला। नेक्स्ट नंबर टू, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, याद रखना, प्लानिंग इज द प्राइमरी एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ओके। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग। बाकी जो फंक्शन है ना, याद है आपको, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चार, और ये पहला प्लानिंग। तो बाकी चार नहीं हो सकता शुरू विदाउट प्लानिंग। पहले प्लानिंग होगा, उसके बाद ही ऑर्गेनाइजिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, स्टाफिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, पहले प्लानिंग होगा, ओके, पहले प्लान बनेगा, ओके। तो इसलिए कहा गया प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर थर्ड, परवेसिव। परवेसिव मतलब आपको याद होगा हम लोगों ने मैनेजमेंट वाले चैप्टर चैप्टर वन में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल ऑफ ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल और बिग, सेम थिंग प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट हो, ओके, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग जरूरी है, हर जगह प्लानिंग जरूरी है, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पहला क्या था, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, नंबर सेकंड, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर थर्ड, परवेसिव। नंबर फोर, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स आल्सो वन हैज टू बी इन टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इन सिलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग चलता ही रहता है, ओके, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक, यस सर, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ट्रेंड बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो आपका जो प्लान होगा, किसी का कोई एक बिजनेसमैन है, मान लो उसका एक जो प्लान होगा कोविड के पहले वो अलग होगा, और कोविड ड्यूरेशन में जो प्लान करेगा वो अलग तरीके का प्लान होगा, ये समझो बिजनेस प्लान, क्योंकि चेंज कर रहा है, सिचुएशन बदल गया, बिजनेस एनवायरनमेंट बदल चुका है, ये समझो। सो Because after making plan also one has to be in touch with the changes in changing environment. Environment change होता रहता है, तो उस हिसाब से आपको plan भी change करना होगा. And in selection of one best way. मान लो one best way मतलब आपके पास plan A, plan B, plan C. तो मान लो आप COVID के time plan A implement कर रहे थे. Okay. अब आपको best लग रहा है plan B. During COVID आपको plan B best लग रहा है. तो plan B आपको implement करना होगा. Yes or no? Course of action में लाना होगा. ओके, सो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। आप मान लो प्लानिंग कर लिए, आराम से नींद ले रहे हो, ओके, अब प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अब चलता रहेगा, ओके, साल भर चलता रहेगा यही प्लान, ऐसा नहीं है, ओके, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंजिंग है, वेरी डायनेमिक, चेंज होता रहता है, ये समझो। सो उस हिसाब से आपको भी चेंज करना होगा अपना प्लान एंड इन सिलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे, और आपको सिलेक्ट करना होगा, मान लो आपके पास तीन प्लान है ए बी सी, तो आपको बेस्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट, ओके। सो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, रुकता नहीं है कभी, ओके, नहीं रुकने वाला प्रोसेस, ओके। सो नंबर फाइव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट। प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, हमें, हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए, फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए, पास्ट, पास्ट के लिए नहीं है, कि नहीं, ओके। सो प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट, प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं किया जाता, फ्यूचर के लिए किया जाता है, एकदम सिंपल सी बात है, ओके। नंबर सिक्स, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखिए
अच्छा ये समझिएगा इसको, द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सिलेक्ट मोस्ट सुइटेबल ऑल्टरनेटिव, वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस। मान लो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ओके बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओके ऑल्टरनेटिव बोलो आप, ऑप्शन बोलो, आपके पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, ओके तो अब आपको प्लानिंग करना होगा कि आप कौन सा बेस्ट कौन सा है आपके लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन, प्लानिंग फंक्शन तभी जरूरी आएगा जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू दैट मैनर। ओके तो मान लो मोस्ट सुइटेबल ऑल्टरनेटिव इज सी, आपको लग रहा है कि ये जो सी है सी के हिसाब से हम लोग जो प्लान जो भी बनाया होगा, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन बना होगा उस हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो जल्द से जल्द गोल को अचीव कर देंगे। ओके सो वही लिखा हुआ है, द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली, प्लानिंग फंक्शन तभी जरूरी होता है जब हम लोगों के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ओके ताकि हम लोग बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर सके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से। ओके वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस, अगर चॉइस ही नहीं रहेगा तो हम लोग प्लानिंग को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नंबर वन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग सही डायरेक्शन बताता है, सही रास्ता बताता है, सही दिशा देती है प्लानिंग। ओके सो प्लानिंग इज कंसर्न विद प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, आपने जो गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कौन से एक्शन लेने वाले हो, क्या करने वाले हो, उसको आपको पहले से ही प्रीडिटरमाइंड करके रखना होगा। ओके प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉई हैव टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू, ये सब कौन करने वाले हैं। अगर आपके आपका डायरेक्शन सही नहीं रहेगा तो आप फिर अपने एम्प्लॉय को कैसे बताओगे। ओके अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं रहेगा, आपका प्लानिंग सही नहीं रहेगा, ओके तो आप एम्प्लॉय को क्या बताओगे कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब। तो डायरेक्शन प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आपको कोर्स ऑफ एक्शन प्रीडिटरमाइंड होना पड़ेगा, आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ओके क्या एक्शन लेने वाले हो आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हो। ओके एम्प्लॉय नोन इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क, अगर प्लानिंग सही तरीके से रहा, ओके सही डायरेक्शन में रहा तो एम्प्लॉय को क्या होता है पहले से ही पता रहता है कि उनको कौन से डायरेक्शन में जाना है। ओके नहीं तो सब अलग अलग डायरेक्शन में भागना चालू कर देंगे, ये तो डायरेक्शन ही सही नहीं रहेगा, अगर मान लो एक डायरेक्शन सही नहीं रहेगा तो सब इधर उधर जाने लगेंगे, ये सुनो तो सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो वही बोला प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग सही दिशा बताती है, सही रास्ता बताती है। ओके और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है ये बताती है। ओके प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन को पहले से ही डिटरमाइन करके रखना है आपको। ओके नंबर टू, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो हमारे बिजनेस में अनसर्टेनिटीज है, फ्यूचर अनसर्टेन है, ये समझो कि बिजनेस में कल को क्या होगा, ये समझो जैसे ये कोविड का पीरियड चल रहा है, किसी को नहीं पता था बिजनेस मैन को, ये समझो या फिर किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। ओके तो क्या है, प्लानिंग अगर करके रखोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती भी है तो सॉल्व हो जाती है। मान लो कोई अगर बंदा है वो प्लानिंग करके रख रहा है, वो प्लानिंग के साथ बिजनेस कर रहा है कि हाँ चलो प्लान ए तो चल रहा है, ये प्लान ए मेरा अच्छा से चल रहा है, पर प्लान बी भी मैंने रखा है, अगर कोई दिक्कत आई तो प्लान बी चलेगा। ओके या फिर प्लान सी भी मेरे पास है, अगर कुछ बड़ी समस्या आ गई जैसे कोविड चल रही है, ओके तो मेरा प्लान सी चलेगा। तो उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके तो एक बार पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। ओके हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फेस करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को अनसर्टेनिटीज फेस करने के लिए, बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोर्सी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम एजम्पशन, कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ओके ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, तो वो कुछ एज्यूम कर लेते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर को माइंड में रखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, इमेजिन करते हुए वो कुछ अपना एजम्पशन बना लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो प्लान नहीं चलेगा, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आया तो हम लोग प्लान भी अपना इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके तो उस तरीके से ये क्या करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, उनके पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है, इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, ये सब तो पास्ट एक्सपीरियंस से वो बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करके अपना ऑल्टरनेटिव बहुत सारे बना लेते हैं। ओके और जैसे जैसा सिचुएशन चेंज होता है वो अपना इंप्लीमेंट करते रहते हैं।
ओके तो वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटीज बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर कीपिंग इन माइंड द पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये सर नो सो 100% पता ना चल लेकिन एज्यूम तो कर सकते हैं। ये सर कुछ हद तक तो पता चल जाएगा। ये सर तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, रिड्यूस कर देती है, 100% एलिमिनेट नहीं करते हैं, रिड्यूस कर देती है। ओके थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखिए सही तरीके से प्लानिंग करने से ओवरलैपिंग नहीं होते, मतलब एक ही काम बार बार रिपीट नहीं होता। ओके एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हो बिना प्लानिंग का तो वो काम बेकार भी हो सकता है। ये सुनो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा और पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा। ये सुनो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सुनो तो प्लानिंग के साथ अगर आप कुछ करोगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, काम रिपीट नहीं होगा बार बार, एक ही चीज बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज वेस्ट नहीं होगा। ये सुनो कोई भी चीज रिसोर्सेस हुआ या एनर्जी हुआ या फिर टाइमिंग हुआ कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ हम लोग कुछ भी करें। ये सुनो अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई भी करोगे ये सुनो तो हर चीज सही तरीके से सही ढंग से होता चला जाएगा। ओके सो वही लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा सारा जो प्लान होता है वो कैसे बनता है? ओके वो बनता है सारे डिपार्टमेंट को नजर में रखते हुए। ये समझो कि अब हमारे क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका फिर आ गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट को नजर में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपना प्लान बनाती है। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। और डिपार्टमेंट का जो प्लान होता है वो कहां से डिराइव होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से डिराइव होता है। ओके एज ए रिजल्ट There will be coordination in different department. और इसी के कारण coordination बना रहता है, तालमेल बना रहता है अलग अलग department में। Okay, अलग अलग जो भी हमारे department है, production department, sales department, तालमेल बैठा रहता है, coordination बना रहता है इसी के कारण। It helps in avoiding confusion. Confusion नहीं होता, misunderstanding नहीं होती। Okay, minimize useless activities, जैसे wasteful activities. Okay, useless activities कम हो जाती है। Okay, अगर तालमेल बैठा रहेगा तो आपको पता रहेगा ना कि आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना प्रोडक्शन करना चाहती है, सेल्स डिपार्टमेंट कितना सेल कितना हो रहा है, ये समझो फाइनेंस डिपार्टमेंट कितना फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली है अगले महीना। ये समझो तो हर चीज तालमेल बैठा रहेगा तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। ये समझो रिपीट नहीं होगा एक ही काम बार बार, और वेस्टफुल एक्टिविटीज कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगा, ना ही रिसोर्सेज वेस्ट होगा, ना ही टाइम वेस्ट होगा या फिर ना ही आपका एनर्जी वेस्ट होगा। ओके नंबर फोर planning promote innovative ideas. While planning many new ideas arise and it results into creative, innovative and foresighted attitude among the manager. देखिए जब planning करने बैठते हैं लोग तो नए नए idea आते हैं mind में, ये समझो creative idea, innovative idea है कि नहीं? तो वही लिखा हुआ है कि while planning many new ideas arise, जब planning करते दौरान क्या होता है अलग अलग आइडिया आता है कि नहीं? देखो हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल अलग अलग जगह से आया हुआ है, ये समझो हर इंडिविजुअल का बैकग्राउंड अलग है, हर इंडिविजुअल का क्वालिफिकेशन अलग है नहीं? तो जब लोग बैठेंगे, जब मीटिंग करेंगे है कि जब प्लान बनाएंगे तो लोग बैठे हुए हैं इधर इधर भी बैठे हुए और आपस में बातें कर रहे हैं। ओके प्लान बन रहा है तो सबके दिमाग में अलग अलग आइडिया आएगा, प्रोडक्शन का आइडिया, मार्केटिंग का आइडिया, ये समझो। तो इससे क्या होता है Why planning many new ideas arise and it results in creative, innovative and foresighted, doer-dashi attitude रहता है, है कि नहीं? Among the managers, managers में और कुछ नया चीज निकल के आता है, ये सुनो कुछ क्रिएटिव आइडिया आप लगाओ कि कुछ इनोवेट हो सकता है, ये सुनो कुछ नया आइडिया आ सकता है कि हाँ इधर प्रोडक्शन का मेथड या टेक्निक चेंज किया जाए, ये सुनो। सो ये आपका क्या है प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है कि नहीं? सबका आइडिया अलग अलग है, ये सुनो। सो नंबर फाइव प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब ये कैसे प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए जब एक मैनेजर प्लानिंग करता है ओके तो उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, ये समझो उसके पास ए बी सी डी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, बहुत सारे ऑप्शन आप बोल सकते हो। ओके
वो क्या करता है, वो चूज करता है कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ओके, तो वही लिखा हुआ प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर, प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को टू लुक इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर देखने में। प्लानिंग हम क्या चीज के लिए करते हैं, प्लानिंग फ्यूचर के लिए तो प्लानिंग किया जाता है ना, कि आज आप प्लानिंग करोगी हाँ वन वीक में, जब वन वीक खत्म हो जाएगा तो मेरा स्टडी कितना हो चुका होगा, ये समझो। मैं प्लानिंग करता हूँ कि वन वीक में मैं कितने वीडियो बना लूंगा। ओके, तो ऐसे ही मैनेजर भी प्लानिंग करते हैं कि वन वीक तक मेरा मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट का कितना सेल्स हो जाएगा। तो उसी तरीके से प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर को देखने में मदद करता है, इमेजिन करने में मदद करता है, प्रेडिक्ट करने में मदद करता है, एंड मेक ए चॉइस अमाउंट वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और उसके पास बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं उसमें वो चॉइस करता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव, हर ऑल्टरनेटिव को वो इवैल्यूएट करेगा, जांचेगा, परखेगा एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, और जो उसको बेस्ट लगेगा वो वही सिलेक्ट करेगा। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंस है प्लानिंग के। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे प्लानिंग के इंपॉर्टेंस। ओके, तो बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू वन लाइक।